नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि युवा पहलवान अंतिम पंघाल और उनके पूरे दल को पेरिस से निर्वासन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस युवा पहलवान ने अपना आधिकारिक मान्यता कार्ड अपनी छोटी बहन को सौंप दिया, जिसे सुरक्षा कर्मियों ने खेल गांव से बाहर निकालते हुए पकड़ लिया। आपको बता दें कि अंतिम महिलाओं की 53 किलोग्राम स्पर्धा में अपना पहला मुकाबला हारने के बाद पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई थी। IOA के एक बयान में कहा गया कि भारतीय ओलंपिक संघ ने फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा IOA के संज्ञान में अनुशासनात्मक उल्लंघन का मामला लाए जाने के बाद पहलवान अंतिम और उनके सहयोगी स्टाफ को वापस भेजने का फैसला किया है। हालांकि IOA ने अनुशासनात्मक उल्लंघन के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन एक सूत्र ने पूरी जानकारी दी। सूत्र ने कहा कि खेल गांव जाने के बजाय वह उस होटल में पहुंच गई जहां उसके कोच भगत सिंह और साथ ही अभ्यास पहलवान विकास, जो वास्तव में उसका कोच है, ठहरे हुए थे। अंतिम ने अपनी बहन को खेल गांव जाने और अपना सामान लेकर वापस लाने को कहा। आपको बता दें कि उसकी बहन को किसी और के कार्ड पर अंदर जाने के कारण पकड़ा गया और उसे बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। 19 वर्षीय U20 वर्ल्ड चैंपियन अंतिम को भी पुलिस ने बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया। इतना ही नहीं, अंतिम के निजी सहयोगी स्टाफ विकास और भगत कथित तौर पर नशे की हालत में कैब में यात्रा कर रहे थे और उन्होंने किराया देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्राइवर ने पुलिस को बुला लिया। IOA के एक अधिकारी ने गुस्से में कहा कि हम अभी मामले को ठंडा कर रहे हैं। जब संपर्क किया गया तो विकास ने इस तरह की घटना में अपनी संलिप्तता से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आपको ये किसने बताया? अंतिम और उसकी बहन मेरे सामने बैठी है।